देख भाई, इन सब बुकों में कुछ रखा रखा है नहीं, सिर्फ हमारी बड़ी वाली लेता है और कुछ नहीं। तू इसको हटा, जिंदगी का मकसद जान, नीट कर, जेई छोड़, डब्ल्यू रॉसबर्ग पढ़ना शुरू कर दे अभी से ही। आरडी शर्मा में कुछ नहीं रखा है, जब कॉकरोचों को काट के अंडे फोड़ के अपना धर्म थोड़ी ना भ्रष्ट करना है। इससे अच्छा तो मैं पाई की वैल्यू 3.14 ही जिंदगी भर लगाता रहूँ। ये आरडी शर्मा सर की बुक को तुम बुक मत कहो बार बार, मैं सुन रहा हूँ बुक 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 कर रहे हो, वो हम लोग के लिए इमोशन है इमोशन। तुम नीट वालों को मैं क्या बताऊँ आरडी शर्मा की अहमियत। नहीं 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 बताओ बताओ, हमें बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। आरडी शर्मा सर की बुक को कुछ हो जाता है तो हम लोग के मुँह में थूक भी नहीं बनती है। तुम्हें क्या मैं बताऊँ, तुम नीट वालों को अगर मोटिवेट होना है तो तुम लोग मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, लेकिन हम लोग सिर्फ आरडी शर्मा की बुक देख ले तन मन हन धन हर जगह से मोटिवेट हो जाते हैं। एक बार में आप कितने तरीके से मर सकते हैं, ये गूगल पे सर्च करने पे टॉप पे पता है क्या आया था, कि आप आरडी शर्मा सर की बुक के नीचे आइए और आप आराम से प्रेम से मर सकते हैं। इतनी मोटी बुक होती है, पढ़ने में तुम्हारा खानदान जाएगा। मजाक थोड़ी ना है, आरडी शर्मा जी इंसान थोड़ी ना है, वो तो शायद शायद भगवान का अवतार है। अगर वो ना होते तो हम जैसे मासूम बच्चों पर अत्याचार कौन करता। आरडी शर्मा सर की बुक इतनी छोटी होने के बावजूद इतनी मोटी है, कहने की बात नहीं कि मैंने गलती से अपने लोहे के रैक में क्या रख दिया, बेचारे लोहे की रैक की तो कमर लचक गई। जितने तुम्हारे सर पे बाल नहीं होंगे ना, उतने तो उनके सिर्फ एग्जांपल्स हैं बुक में, क्वेश्चंस अलग। भाई साहब, अगर दादाजी को कभी भी मसाज की जरूरत होती है तो मैं आरडी सर की बुक उठाता हूँ और बस जाके उनके शरीर या पीठ पर रख देता हूँ, फिर उनके अंग मंग तन हर जगह उनकी तबीयत एकदम तृप्त हो जाती है। हाल ही में भी एक केस आया कि एक बच्चा गलती से अपने स्कूल पहुँचते पहुँचते लेट हो गया, तो उसके जो टीचर्स थे उसको असेंबली में ही खड़ा कर दिए ऐसे बैग टांगे टांगे, और कुछ देर बाद वो गिर के बेहोश हो गया। फिर बाद में पता चला उसके जागने के बाद कि उसके बैग में आरडी सर की बुक रखी हुई थी, और इतने भार था उस बुक में कि उसके भार की वजह से वो गिर गया और उसके सर पे चोट आई और वो वहीं होश हो गया। तो मजाक थोड़ी ना है आरडी शर्मा की बुक, कभी हल्के मत लेना उनको। बकवास, पूरी की पूरी बात तुम्हारी बकवास थी, बकवास है और बकवास रहेगी। तू पढ़ आरडी शर्मा, पढ़ के कूद जा, हमसे कुछ मतलब नहीं है, भैंस के आगे बीम बजाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये बात अब मैं समझ गया हूँ। ओके बाय।